गुड मॉर्निंग। आज हम सामाजिक प्रक्रियाओं को के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करते हुए एक नई सामाजिक प्रक्रिया जिसे असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखते हैं, संघर्ष की बात करेंगे। समाज में एक ओर जहाँ सहयोग देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर संघर्ष भी पाया जाता है। जब व्यक्तियों में सहयोग नहीं होता है, जब एक दूसरे के प्रति तटस्थ नहीं होते हैं, तो सामान्यतः संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। संघर्ष समाज में अस्वाभाविक भी नहीं होता, क्योंकि जब सीमित लक्ष्य होते हैं और अनेक लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति संघर्ष को उत्पन्न करती है। संघर्ष की भावना या विचार इतने तीव्र हो जाते हैं कि व्यक्ति का समूह दूसरे से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगता है तथा अपने उद्देश्यों को पाने के लिए दूसरे का जो के प्रति हिंसा है उसका प्रयोग करता हुआ उसे हानि पहुंचाने को जब तैयार हो जाता है, तो उसे ही संघर्ष की स्थिति कहा जाता है। समाजशास्त्री गिलिन ने संघर्ष को परिभाषित करते हुए कहा कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विरोधी के लिए सीधी हिंसा या हिंसा की धमकी का प्रयोग करता है। यानी संघर्ष की प्रकृति में विरोधी के प्रति घृणा या हिंसा की भावना होती है। संघर्ष में व्यक्ति का ध्यान साधनों पर इतना नहीं रहता जितना साध्य पर होता है। वे अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। संघर्ष व्यक्तिगत कारणों से भी हो सकता है या सामूहिक कारणों से भी हो सकता है। अब हम बात करें कि समाज में संघर्ष और संतुलन की स्थिति को किस तरह देखा जाए। आधुनिक समाजशास्त्र में दो विचारधाराएं सामाजिक सिद्धांत को स्पष्टतः प्रभावित करती हुई नजर आती हैं। इनमें एक है संघर्षवादी विचारधारा, जिसे रेडिकल या आमूलचूल परिवर्तनवादी विचारधारा भी कह सकते हैं। दूसरी विचारधारा होती है संतुलनवादी, जिसे संरचनात्मक प्रकारात्मक विचारधारा के रूप से भी जाना जा सकता है। यानी जो पहली विचारधारा है संघर्षवादी विचारधारा, रेडिकल विचारधारा, उसके अनुसार कि संघर्ष कोई अस्थायी या असामान्य घटना नहीं है, बल्कि स्थायी व पूर्णतः सामान्य घटना है। इस विचारधारा के अंतर्गत हम अरस्तु, हॉब्स, हीगल, मार्क्स के लेखनों में इस चीज़ को हम देख सकते हैं तथा वर्तमान समाजशास्त्री डैनडॉर्फ, लॉकवुड को भी इस तरह की दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। इन सब समाजशास्त्रियों का मानना है कि अभाव की स्थिति समाज में संघर्ष को जन्म देती है और उसी से नेतृत्व का विकास होता है। शक्ति संतुलन अपने आप में शून्य बिंदु पर रहता है, क्योंकि जो लोग सकारात्मक शक्ति के अधिकारी होते हैं, यानी जैसे नेतृत्व जो संभालते हैं, वे लोग नकारात्मक शक्ति के रखने वाले जो नेतृत्व स्वीकार करने वाले लोगों पर प्रभुत्व रखते हैं। ये संतुलन कालांतर में संघर्ष का कारण बनता है, क्योंकि अधिकार और शक्ति प्राप्त करने हेतु परस्पर संघर्ष होता है। इस संप्रदाय के विद्वानों ने व्यवस्था की अपेक्षा संघर्ष को समाज के अस्तित्व का महत्वपूर्ण आधार माना है। और जैसा कि हमने सामाजिक परिवर्तन में भी समझा था कि उन्होंने संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है। उनका मानना है कि संघर्ष का सीधा संबंध परिवर्तन से होता है, क्योंकि समाज में शक्तियों का संतुलन होता है, ये संतुलन परिवर्तित होता रहता है। डैनडॉर्फ ने लिखा है कि किसी भी संघर्ष में जितनी अधिक निष्ठा और संकल्प के लोग शामिल होंगे, उतनी क्रांतिकारी परिवर्तन होने की संभावनाएं होंगी। संघर्ष का एक स्वाभाविक परिणाम ये भी होता है कि संघर्षशील दो तत्व दलों या व्यक्तियों में से एक पक्ष जीतता है और जो अपनी इच्छा दूसरे पक्ष पर अनिच्छा के बावजूद
थोपता है। जैसा कि दो देशों में यदि संघर्ष होता है तो इसका परिणाम ये होता है कि जो जीतने वाला है वो उन पर अपनी शर्तों को लागू करता है। और इनका ये भी मानना है कि संघर्ष का दूसरा परिणाम हम ये देख सकते हैं कि जब संघर्ष की प्रक्रिया में कुशल और समृद्ध हो जाते हैं, जैसे फैक्ट्री में वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल होती है और हड़ताल के फलस्वरूप मजदूरों को अधिक वेतन मिल जाता है, मिल मालिकों को श्रमिक से सहयोग मिलने से उत्पादन में वृद्धि होती है और वह नए यंत्रों को स्थापित करने में सक्षम हो जाता है। संघर्ष का तीसरे परिणाम की भी ये चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि दोनों पक्षों की हानि व उनका पतन, जैसे पिछले उदाहरण के विरोधाभास स्वरूप हड़ताल के दौरान फैक्ट्री दिवालिया हो जाए जिससे मजदूर और मालिक दोनों को नुकसान हो, और ऐसे ही जैसे 1914 और 1939 के दो विश्व युद्धों में भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है कि इसमें विजेता और विजित दोनों को ही काफ़ी नुकसान हुआ था। संघर्ष का चौथा परिणाम ये भी बताते हैं कि यदि बातचीत के द्वार बंद हो जाए या डेक लॉक हो जाए, ऐसी स्थिति में कोई परिवर्तन समाज में नहीं होगा। संघर्ष कभी न कभी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अवश्य होता है। तो इस तरह से संघर्ष को एक विचारधारा के रूप में देखने वाले समाज शास्त्री इसको समाज में एक प्रकारात्मक रूप उसमें भी देखते हैं कि समाज में संतुलन बना रहे, व्यवस्था बनाए रख लें, और शक्ति परिवर्तन के लिए संघर्ष समाज में आवश्यक है। तो जब हम सामाजिक प्रक्रिया के रूप में बात करते हैं कि जब कहीं भी किसी संसाधनों की कमी होती है और उनको प्राप्त करने वाले अधिक व्यक्ति होते हैं और उनमें से जो एक दूसरे के प्रति जो हिंसा का भाव होता है तो वो प्रारंभ में प्रतिस्पर्धा से शुरू होता है, और प्रतिस्पर्धा के पश्चात जब उसमें हिंसा का भाव आ जाता है तो वही संघर्ष का स्वरूप धारण कर लेता है। अब हम बात करें कि संघर्ष के स्वरूप कितने हो सकते हैं। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि समाज जो कि विविधता और जटिलता से युक्त होता है तो संघर्ष भी अनेक रूपों में देखा जा सकता है। जैसे वैयक्तिक संघर्ष जो देखा जा सकता है, प्रजातीय संघर्ष देखा जा सकता है, वर्ग संघर्ष देखा जा सकता है, राजनीतिक संघर्ष देखा जा सकता है। एक एक करके हम इनको इस तरह से समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत संघर्ष उसे कहते हैं जब संघर्षशील व्यक्तियों में व्यक्तिगत रूप से कोई घृणा होती है तब वह अपने स्वयं के हितों के लिए अन्य को शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत संघर्ष में व्यक्ति एक दूसरे को नष्ट करने पर तुले रहते हैं। व्यक्तिगत संघर्ष का जन्म घृणा मनमुटाव से प्रारंभ होकर मारपीट तक हो सकता है और यहाँ तक कि हत्या भी कर दी जाती है। व्यक्तिगत संघर्ष की प्रकृति में निरंतरता नहीं होती, कभी संघर्ष चलता है, कभी बंद हो जाता है, फिर प्रारंभ हो सकता है। जब तक कि संघर्ष की परिणति संयोग में न हो जाए ये चलता ही रहता है। दूसरा संघर्ष का प्रारूप है प्रजातीय संघर्ष। जब आनुवंशिक शारीरिक भेदभाव के कारण हम व्यक्तियों का वर्गीकरण करते हैं तो सामान्यतः हम उसे प्रजाति के रूप में जानते हैं। प्रजातीय संघर्ष समूह संघर्ष भी कहा जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि जब तक प्रजातियों में भेद रहा है प्रजातीय संघर्ष ने तीव्र और हिंसात्मक रूप धारण किया है, और वर्तमान में निग्रो और श्वेत लोगों में प्रजातीय संघर्ष देखा जा सकता है। तीसरा है वर्ग संघर्ष। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने तो प्रारंभ से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है कि वर्ग संघर्ष इतिहास का से प्रारंभ से ही अब तक हम देख सकते हैं, यानी अब तक का जो इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी आज तक अस्तित्व में जो समाज का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समूचे समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष में ढूंढा जा सकता है। वर्तमान काल में भी मजदूर मिल मालिकों के संघर्ष को हम देख सकते हैं।
कई वर्ग संघर्ष इस वर्गहीन समाज का अस्तित्व वर्ग स्वार्थों के कारण व्यावहारिक रूप में भी कठिन है। अतः वर्ग संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रगटना है। अगला संघर्ष का स्वरूप हम राजनीतिक रूप में देख सकते हैं। राजनीतिक संघर्ष दो स्वरूपों में हो सकते हैं, पहला अंतर्देशीय और दूसरा अंतर्देशीय। अंतर्देशीय संघर्ष में एक ही देश के अनेक राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष हो सकता है, जबकि अंतर्देशीय संघर्ष में एक देश एक से अधिक देश होंगे। युद्ध दूसरे प्रकार के संघर्ष यानी अंतर्देशीय जो युद्ध एक देश से दूसरे देश के मध्य होते हैं वो अंतर्देशीय संघर्ष के रूप में देखे जा सकते हैं। जिन राष्ट्रों में विचारों की स्वतंत्रता संविधान द्वारा स्वीकृत है वहाँ अधिक संघर्ष देखा जाता है। अनेक राजनीतिक दल अपने दल का प्रभाव मतदाताओं पर डालने के लिए उनसे मत लेने के लिए परस्पर प्रगतिशील होते हैं। इस प्रक्रिया में खुले रूप से विरोधी नेताओं की आलोचना करते हैं, जैसा कि इस समय हम बंगाल में स्थिति देख सकते हैं। इसलिए वह कुछ कटु व हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो परस्पर दल आपस में हिंसा के लिए उतारू हो जाते हैं। इस तरह से संघर्ष की प्रवृत्ति समाज में हमेशा पाई जाती है, हमेशा रहेगी। जब तक एक समूह का दूसरे समूह पर प्रभुत्व जमाने का जो भाव रहेगा और अब एक दूसरे को अधिक शक्तिशाली दिखाने के लिए जब तक समाज में प्रवृत्ति पाई जाएगी, समाज में जो परिवर्तन पाया जाएगा वो सब संघर्ष को जन्म देते हैं। यानी संघर्ष एक ऐसी स्थिति है जो समाज में परिवर्तन भी लाती है तो समाज में असंतुलन की स्थिति भी पैदा करती है। तो हम संघर्ष को भी एक सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं जो समाज में असंतुलन को पैदा करती है, असंगठन को दिखाती है। किंतु समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जैसे कि संघर्षवादी विचारधारा के लोग मानते हैं वो आवश्यक, और इसी के कारण समाज निरंतर रूप से परिवर्तित होता रहता है। धन्यवाद।